हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टेक 001। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इजी पैसा एप्लीकेशन का एटीएम कार्ड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी इजी पैसे का एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को हमारी कम्प्लीटली वॉच करना। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एटीएम कार्ड अप्लाई करने का तरीका। अगर आप भी एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे, आप चाहते हैं आपके घर पे चल गया है एटीएम का कार्ड, और एटीएम के कार्ड फीस कितनी होती है, कितने पैसे कटते हैं एटीएम से अगर आप पैसे निकलवाते हैं, उसको अप्लाई एटीएम कार्ड अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, उसको अप्लाई करने के बाद आपके पैसे कितने कटते हैं, और अप्लाई करने के बाद कितने टाइम के बाद आपको एटीएम कार्ड इजी पैसा एप्लीकेशन वाला किस तरह से मिल सकता है और कैसे मिलेगा, आपने डिटेल वगैरह किस तरह से फिल करनी है, एवरीथिंग मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने किस तरह से जो है सब कुछ सारा काम करना है। तो मैंने आपको बताया आपने किस तरह से जो है इसी पैसे का एटीएम कार्ड अप्लाई करना है। तो बार बार मैं वीडियो इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना गली के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे चिल्ला रहे हैं, और वॉइस वगैरह आपको पता है अगर मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, वीडियो बनाने में जो है मान लीजिए नॉइस वगैरह आ जाती है बैकग्राउंड में, तो आपकी वीडियो कोई भी समझ में नहीं आएगी ज़रा सी भी ना। तो इसलिए मैं बार बार वीडियो को रोक रहा हूँ ताकि वीडियो अच्छी सी बने, वीडियो जो है कुछ भी मान लीजिए वॉइस वगैरह सिर्फ मेरी आए और किसी की नहीं आए। तो आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे, अगर सिचुएशन मेरी समझ रहे हो तो कमेंट में यस करके कमेंट कीजिएगा, ठीक हो गया। तो एटीएम कार्ड अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, मतलब इजी पैसा एप्लीकेशन से ना एटीएम कार्ड एटीएम इजी पैसा एप्लीकेशन वाला एटीएम कार्ड आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सा वाला कार्ड आपको अप्लाई करना पड़ता है, और क्या क्या फ़ीस होती है। तो फीस की बात की जाए तो वहाँ पर तीन तरह की फ़ीस होती है अगर एटीएम कार्ड आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले जो है मैं आपको एक बात ध्यान में रखिएगा मेरी ये बात, जब भी अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर आपको तीन कार्ड शो होंगे, एक होगा पाक कार्ड, एक होगा डेबिट कार्ड, एक होगा यूनियन कार्ड। यूनियन कार्ड जो होता है ना वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब कि पाक कार्ड से अच्छा है मगर यूनियन, मतलब कि फर्स्ट पे जो आता है ना सबसे अच्छा जो कार्ड होता है वो होता है डेबिट कार्ड, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होगा, मतलब कि काले कलर का होगा, ब्लैक कलर का, ठीक है, उस पर लिखा होगा डेबिट कार्ड, तो आप वो अप्लाई कीजिएगा, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। अच्छा, दूसरा वो उसके जो अप्लाई करने हैं उसके क्या फ़ीस होते हैं, उसकी फ़ीस है डेबिट कार्ड अप्लाई करने की 1000 रुपये की। बाकी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं एटीएम कार्ड इजी पैसे का तो आपको जो है 250 रुपये जो है कैशबैक मिलता है, ठीक है, आपको 750 रुपये का पड़ेगा वो जो आप अप्लाई करेंगे एटीएम कार्ड नया पे वाला डेबिट कार्ड, ठीक हो गया। उसके बाद आता है नंबर टू पे आता है यूनियन पे कार्ड। यूनियन पे कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपको पड़ता है 500 रुपये का, 700 रुपये का, ठीक है, 700 रुपये का वो पड़ता है यूनियन पे कार्ड वाला। तो यूनियन कार्ड पे कार्ड का क्या मतलब है, उससे आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले डेबिट कार्ड का बताया है, नहीं डेबिट कार्ड अगर अप्लाई करते हैं आप 750 रुपये 1000 वाला, तो उसमें जो है आपको क्या क्या फ्यूचर मिलेंगे, उसमें सबसे पहला फ्यूचर आपको ये मिलेगा आप एनी टाइम जो है एटीएम कार्ड से पेमेंट विड्रा ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके कार्ड आपकी जो है तकरीबन डेली की जो लिमिट होगी आपकी 1 लाख रुपए की डेली की लिमिट होगी, आप 1 लाख रुपए उस पर जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसी पैसे से। मगर अगर एटीएम से आप पैसे निकलवाते हैं तो डेली की आपकी जो लिमिट होगी वो होगी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये डेली आप निकलवा सकते हैं, जब चाहें 20,000 रुपये निकलवा लें। आप 20,000 रुपये निकलवाएँ या 5,000 रुपये निकलवाएँ या 1,000 रुपये निकलवाएँ, आपके जो पैसे कटेंगे डेबिट कार्ड के ऊपर वो कटेंगे सिर्फ 23 रुपये, 23 रुपये चार्जेस होते हैं, उसके अलावा 1 रुपया ऊपर का पैसा नहीं लगता। और इसके अलावा जो है ना डेबिट कार्ड को जो है ना अगर आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो आप वहाँ को भी वहाँ जाके भी जो है ना उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से भी। तो इसके ये पैसे होते हैं, ये कटौती होती है, बाकी ये कि आप उसको जो है ना मतलब ये विड्रा वगैरह भी लेने में भी अच्छा है, और उसके अलावा शॉपिंग करने के लिए भी अगर आपको शॉपिंग के लिहाज से भी चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड अप्लाई कीजिएगा। बाकी दूसरे नंबर पे आता है यूनियन पे कार्ड। यूनियन पे कार्ड जो है ना यूनियन कार्ड जो होता है ना वो मतलब कि आप जो है ना उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो भी मतलब कि विड्रा ले सकते हैं एटीएम से, ठीक है, और उसकी लिमिट सही होती है, बाकी इतना अच्छा खास कार्ड नहीं है वो ना। तो ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया यूनियन पे कार्ड का और डेबिट कार्ड का। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो जो है कैसी लग रही है आपको लाजमी बताइएगा। और जो है आप पे कार्ड की बात करते हैं, पे कार्ड में जो है आपको सिर्फ ओनली जो है आप उससे जो है विड्रा ले सकते हैं एटीएम कार्ड, एटीएम में विड्रा ले सकते हैं, एटीएम में विड्रा लेने के बाद जो है आप उसको जो है मतलब उससे जो है मतलब उसकी डेली लिमिट होती है वही 20,000 रुपये लिमिट होती है, मगर उससे जो है आप कोई मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते पे कार्ड। पे कार्ड के चार्जेस क्या होते हैं, पे कार्ड के चार्जेस 600 रुपये हैं, 600 PKR। बाकी जब उसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे 100 रुपये या 200 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा, ठीक हो गया, तो आपको 400-500 रुपये का कार्ड पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो, अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको अगेन एक और वीडियो बना के उसमें दिखा दूँगा आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अलग कर दूँगा। बाकी वीडियो कैसी लग रही है लाजमी कमेंट करके बताइएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन वाल पर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। एम टेक
001